दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरे T20 मुकाबले में मिली हार के बाद रोहित शर्मा का चौंका देने वाला बयान सामने आया है। रोहित शर्मा ने इस बयान में भारतीय टीम के हार का कारण उन खिलाड़ियों को बताया जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा T20 मुकाबला 16 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस को हारकर पहले बल्लेबाजी की और भारतीय बल्लेबाजी बेहद खराब रही, जिसमें रोहित शर्मा, केएल राहुल दोनों ने ही भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से फ्लॉप कर दिया। 20 रन के स्कोर पर ही दोनों बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद ईशान किशन ने भी भारतीय टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और 4 रन के स्कोर पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कैच आउट हो गए। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और उनके साथ ऋषभ पंत एक अच्छी साझेदारी बना रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत के रन आउट हो जाने की वजह से भारतीय टीम मुश्किल में आ गई थी। फिर विराट कोहली ने टीम को मुश्किल से निकाला और बल्कि अंत में तेज गति से बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम 20 ओवर में 156 रन का स्कोर बनाने में कामयाब रही थी। आपको बता दें कि 157 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने तो शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से विकेट लेने के लिए लाचार नजर आए। 157 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया था और इस मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट से हरा दिया। जिसके बाद भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा का एक बयान सामने आया, जिसमें रोहित शर्मा इस हार से बेहद ही दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मैच में हमारा प्रदर्शन बेहद खराब रहा और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हमारी टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा। राहुल पिछले दोनों मैचों में बुरी तरह से फ्लॉप रहे और इस मैच में भी कुछ बड़ा नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारी टीम को एक मजबूत शुरुआत नहीं मिल सकी और हमारी टीम ने शुरुआत में ही जल्दी विकेट खो दिए। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि टॉस हारना मैच हारने के बराबर था, क्योंकि हमारी गेम प्लानिंग थी कि हमें लक्ष्य का पीछा करना है और बाद में हमें बल्लेबाजी करनी है, लेकिन टॉस हार जाने की वजह से हमें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, जो कि हमारी गेम प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल भी सटीक नहीं था। और जब हम पहले बल्लेबाजी करने आए तो हमारी गेम प्लानिंग कोई भी नहीं थी। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने कहा कि ये लाल मिट्टी पिच पर तीसरा मुकाबला खेला गया है और हमारी टीम इस पिच को बखूबी ढंग से परख नहीं सकी है, जिसकी वजह से शुरुआती समय में हमारे बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली ने पारी को संभाला। लेकिन इसके साथ ही रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि गेंदबाजों के साथ साथ फील्डिंग में भी हमारी टीम बेहद पिछड़ती हुई नजर आई, क्योंकि ऋषभ पंत ने भी विकेट कीपिंग में वो कमाल नहीं किया जो अक्सर वो विकेट के पीछे खड़े होकर करते रहते हैं, और साथ ही दूसरे फील्डर्स ने भी बहुत ज्यादा मिसफील्ड की है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा रन बहुत ज्यादा मिले। लेकिन अब चौथे मुकाबले के लिए हमारी टीम को टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी पर काम करना होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगले मुकाबले में भारतीय टीम को ठोस शुरुआत दे सके और सीरीज में 2-2 से बराबरी कर सके। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम ये तीसरा मैच रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली या फिर ऋषभ पंत किसकी वजह से हारी है? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।